गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है वो मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। ये वीडियो हमारे इस साल का आखिरी वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या लगा कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने स्टार्ट ही इसीलिए किया कि उसे मैं लंबा लेके चलूँ, तो इतनी जल्दी तो मैं हार नहीं मानने वाली। तो ये जो दिन है वो हमारा आखिरी दिन है इस साल का, तो मैंने सोचा कि एक रिकैप वीडियो बनाया जाए। हमारे पूरा जितना भी वीडियोज़ मैंने बनाया अभी तक, पता नहीं 60 या कितने वीडियोज़ हो चुके हैं, मेरे को आइडिया नहीं है। बट मैंने सबका थोड़ा थोड़ा वो करके जो जो मैंने बेस्ट मोमेंट मैंने जिया है वो सबका मैंने छोटा सा रिकैप बनाया है। सो लेट्स सी, देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मूवी देखने आया था, अभी इंटरवल हुआ है और मैं आई हूँ अपने बहनों के साथ देखने। जानते हैं बहुत, ये है मूवी। बहुत ही संघर्ष के साथ हम लोग मिले तीनों को ही। हैप्पी होली सभी को। बाप रे, यहाँ से यहाँ कटे खुद आप रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए। कौन तो है एबीसीडी लीग, मैं बताऊंगी ये है कि बी है। एक खेलते नहीं लगे। हाँ। मिलते हैं सीधा हंसा की शादी में। मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। बारिश बंद हो चुकी है और अब हम फोटो खिंचा सकते हैं इतने अच्छे मौसम में। और सच बताओ तो बारिश बंद होने के बाद मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। ऐसे पूरा मतलब ना बादल खुल गया है, तो जो लाइट आ रही है ना मुंह पे, आहा। तो अभी हम खिंचाते हैं फोटो। इतने देर से मैं ये ड्रेस पहन के मैं बैठी हुई थी कि कब बारिश बंद हुई तो मैं खिंचाऊं। मैगी खाना है तो आप देखते रहिए दीपाली का ब्लॉग बहुत। तो सबसे पहले हमको करना है गैस ऑन, फिर उसमें कढ़ाई रखना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा तेल डालना है। हाँ। फिर उसके बाद अभी ढूंढ रहे हैं, आएगा तो बताऊंगी। ज़्यादा फेमस हो गई हूँ कि मेरा फोटो पेपर में भी छपने लगा है। फाइनली लड़ झगड़ के हमको दो प्लेट मिला है, उसमें भी हमको तीसरा भी मिल गया था, पर एक आंटी मेरे हाथ से झप ना। भाभी बहुत ज्यादा जलने वाली है क्योंकि भैया जो है वो अपने रीयूनियन पार्टी करेंगे और भाभी को अकेले छोड़ देंगे। भाभी कैसे कपड़ा बना के और मम्मी तो... भी घूम ली है पर पापा को घूमने नहीं दी है। रवि वेलकम होगा। थैंक यू। भैया की पार्टी थी बट स्वागत हमारा भी है, बोल एकदम भाभी और मेरा ऐसे अपन। और यहाँ का लोकेशन इतना मस्त है ना, इतना मस्त की मैं क्या कैसे नहीं पहचानूंगा मैं, कॉलेज की स्टूडेंट को नहीं पहचानूंगा। भैया हम लोग को हाफ डे लेने के लिए मदद करते थे, भस्काने के लिए साइड से। अरे हम लोग खाने जाने वाले थे, फिर याद आया ये मैडम जी अभी लहसुन प्याज खा ही नहीं रही है, फिर बुरी घर चलो चलो ना। तो जाएंगे जाएंगे, चलो गाइस बाहर निकल के मिलते। मेरे पीछे एक मेरी फ्रेंड खड़ी है, बेस्ट फ्रेंड, हेलो बोल दो। तो गाइस हम लोग को इतनी तेज भूख लगी थी ना, ये सब ऐसा खावा के हम लोग बस बैठ गए। लास्ट हमारा ये बचा है तो हम लोग ये दिखा देते हैं आपको सारे हाथ। और पता है ये इसका जो ये है ना डब्बा, क्या बोलेंगे इसको, डब्बा कंटेनर, कंटेनर। तो ये हम घर लेके जाएंगे, इतना अच्छा डब्बा है। ये खत्म की गंदी, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। नाइस, वेरी नाइस। हे रमते आवे माड़ी, रमते आवे मेलडी माड़ी, आज रमते आवे राधा नो रूप छे तो
जो गरबा था उसमें हमारा पूरा परिवार ट्रॉफी लेके आया है। सब लाया ना, मम्मी, दद्दू, मैं तो दो बार लाई, निकिता, मतलब सबके सब लेके आया। पूरा मतलब हमारा ही जलवा था आज। बहुत मजा आ गया यार, बहुत ज्यादा। हैप्पी दिवाली प्रीशा, हैंड शेक करो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हवा का पॉइंट भी तो तुम लोग ब्लॉक नहीं कर रहे। हवा देखो वहीं से निकल रहा है, क्या उड़ रहे हो? मेरी हाइट है इतनी, तो हम लोग डांस भी करते ना तो वो एकदम गंदा करता है। आप लोग अगर इसके चैनल पे देखो कि हम लोग एक वो गरबा वाला किए थे, इतना वाहियात नाचे थे, अभी भी याद है मेरे को। अरे नहीं यार, अच्छा दिसंबर आ गया भाई, ये साल एंड होने वाला है, तो तेरे तू बता, तू मतलब कुछ तेरा है प्लान? ओ मैडम के एग्जाम्स आने वाले हैं, हम लोग का 1 जनवरी को भी एग्जाम है। तो दोनों बच्चे लड़ते हुए एक शॉप के लिए, दिखाओ तो शॉप को। रेडी रेडी, मैं इसकी मौसी हूँ और मैं इसकी तो आपको मिलवाई नहीं रही हूँ। यह है हमारे घर का दद्दू, और बाहुबली पिक्चर देखे होगी ना, तो उसमें एक और थोड़ा थकने के बाद हमारे फैमिली वाले लोग फोटो खिंचाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो आगे प्राची बता देगी आप लोग को। रेडी चीज 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 खेलने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हम लोग को सीधा शिव पार्वती का मूर्ति मिलेगा। और प्राची यहाँ कुछ ज्यादा ही थक चुकी है। मैं बहुत ज्यादा इसलिए दद्दू को बोल रही थी कि प्लीज भाई मेरा व्लॉग थोड़ा सा कंटिन्यू कर दे। हम लोग कोशिश करेंगे कि व्लॉग आपके लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो, और दद्दू हमारे व्लॉग में आता होता है एंटरटेनिंग हो गई, आपको पता ही है। दीपाली पटेल फिर से कुछ ज्यादा थक गई, ट्रेवल कर वो रहा हमारा गाड़ी, हम लोग थक थक के पागल हो गए। तो हम लोग यहाँ कहाँ आए हैं प्राची? मैगी खाने। मैगी खाने नहीं रहे हम लोग, लाइट हाउस। सो दोस्तों, ये जो साल था वो मेरे लिए बहुत सारी मेमोरीज से भरा हुआ था, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन जो कि मेरी इस जर्नी को मेमोरेबल बनाने में मेरा मदद करा। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो आने वाला साल है वो भी इतनी खुशियों से भरा रहे, एंड आप लोगों का भी। सो विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाई।